हीरापुर के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। वो दोनों पति पत्नी पंक्चर बनाते थे। ऐसे ही एक दिन टिल्लू उनकी दुकान में पंक्चर बनवाने के लिए आया। अरे मैडम, आप पंक्चर बना रही हैं? हाँ भाई साहब, मैं औरत हूँ तो क्या पंक्चर नहीं बना सकती। आप फिक्र ना करें, हम लोग बहुत अच्छे से पंक्चर रिपेयर करते हैं, आपको शिकायत नहीं होगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। टिल्लू के जाने के बाद बबलू कहता है, आज का दूसरा ग्राहक था ये, इतनी मेहनत के बाद भी कमाई नहीं होती है। पीलू एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हमारा ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम दिन में सिर्फ 20 पंक्चर ही ठीक कर पाते हैं। हम कम से कम 30 पंक्चर बनाने होंगे। अच्छा, तो मैं कोई जुगाड़ करता हूँ। उनकी दुकान से कुछ दूरी पर कालू कव्वे की भी पंक्चर की दुकान थी। वो पीलू की बात सुनकर हिसाब लगाता है। पीलू चिड़िया, 30 नहीं, मैं तो 50 पंक्चर ठीक करूँगा अपनी दुकान में, और तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा तो और 50 पंक्चर मेरे पास ठीक करवाने आएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे एक चाल चलनी होगी। फिर कालू अपनी पत्नी सुंदरी को बहुत सारे कील देता है और अपनी दुकान से पहले खड़ा कर देता है। सुंदरी आने वाली गाड़ियों के नीचे कील फेंक देती थी, जिससे गाड़ियाँ पंचर हो जाती थी, और फिर सुंदरी और कालू उनको अपनी दुकान में ले आते थे। इस तरह से वे लोग बहुत पैसे कमाने लगे। अरे आपने देखा कि कालू कैसे लोगों की गाड़ियाँ पंचर करके उन्हें ठीक करता है और पैसे कमा रहा है। हाँ, ये बहुत गलत कर रहा है, एक दिन बहुत पछताएगा। लेकिन पीलू और बबलू के पास ग्राहक बहुत कम हो जाते हैं। इस बीच बबलू, पीलू, पीलू भाभी, ये देखो मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ। ये है ऑटोमेटिक पंचर बनाने की मशीन। देखने में साधारण हवा भरने वाले पंप जैसी लगती है, लेकिन इससे आप लोग दिन में 100 पंचर बना सकोगे। लेकिन हरिया भाई, हमारे पास तो आजकल 10 ग्राहक भी नहीं आते हैं। फिर पीलू हरिया को कालू और सुंदरी के बारे में बताती है। तो हरिया तोता कहता है, तुम अपनी ईमानदारी मत छोड़ना, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। मैं आज से स्कूल और ऑफिस में लेटर दे के आऊंगी कि हमारे यहाँ ऑटोमेटिक पंचर बनाने की मशीन है, और जो ग्राहक आएंगे उसे हम 50% डिस्काउंट देंगे। ऐसे पीलू सोचती है। तो बबलू कहता है, आइडिया तो अच्छा है पीलू, कम से कम खाने के लायक पैसे तो आएंगे, नहीं तो कालू ने तो हमारी दुकान बंद ही करवा दी है। क्यों बबलू, ये मेरी नई कार कैसी लग रही है? सिर्फ दुकान बंद करके तुम मेरे नए घर आना। बबलू पीलू, देखना हमारी दीवार जितनी टीवी है, डबल डेकर फ्रिज है, और सुंदरी के पास तो गहने भी है। तुम्हारी तरह गरीब नहीं है हम लोग। तो पीलू कहती है, जाओ कालू जाओ, हम ईमानदार थे हैं और रहेंगे। कालू उनकी हंसी उड़ाकर चले जाता है। इसी तरह कुछ दिनों के बाद तेज रफ्तार से बड़ी सी गाड़ी आ रही होती है। सुंदरी ये देखकर सोचती है, अरे इतनी बड़ी कार, इनसे तो 1000 रुपए लूंगी पंचर ठीक करने का, और वो कार के नीचे कील फेंक देती है। कार डगमगाते हुए रुक जाती है। जैसे ही कालू और सुंदरी उसके पास जाते हैं, उसके अंदर से डाकू निकलते हैं। मैंने देखा कि तूने हमारी गाड़ी पंचर की थी, डाकुओं से चोरी, अभी हम तुम्हारा घर लूटेंगे। फिर वो डाकू कालू के घर से रुपये, गहने और फिर कालू की कार चुरा कर भाग जाते हैं। हाय, हम लूट गए, बर्बाद हो गए, सारी चोरी की कमाई चोरी हो गई, अब आगे से कसम खाते हैं ऐसा नहीं करेंगे। कालू कसम खाता है। तो पीलू कहती है, हमारी दुकान बंद करने चले थे, खुद ही दुकान लूट बैठे। इसके बाद पीलू और बबलू अपनी मशीन से पूरे जंगल के लोगों की गाड़ी का पंक्चर ठीक करते थे, और जल्दी ही वो लोग बहुत अमीर हो गए। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी ईमानदारी से रहने लगे। रामपुर के जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे, लेकिन बबली चिड़िया हमेशा उदास रहती थी, क्योंकि उसे कोई भी संतान नहीं थी। छोटे छोटे पक्षियों को देखकर उसके मन में आता था, इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर कितना अच्छा लगता है, काश मेरे भी कोई संतान होती। पता नहीं देवी मुझसे क्यों रूठी हुई है, मैं उनसे आज प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी वो संतान का सुख दें। जब तक वो मुझे वरदान नहीं देंगी, तब तक मैं वहां से नहीं हटूंगी। ऐसा सोचकर बबली देवी माँ के पास जाती है। देवी माँ की मूर्ति के सामने बबली रोते हुए कहती है, हे देवी माँ, मुझे भी आशीर्वाद दो, मुझे भी कोई संतान हो। इतने साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन मुझे अभी भी कोई अंडा नहीं हुआ है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। बहुत देर तक बबली देवी माँ के सामने प्रार्थना करती रहती है। थोड़ी देर बाद बबली वापस अपने
अपने घर आती है। कुछ दिनों बाद बबली को पता चलता है कि वो अंडे देने वाली है। बबली कहती है, हे देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बबली को इमली खाने की इच्छा होती है। फिर बबली इमली की तलाश में जंगल के अंदर चली जाती है और उसे एक इमली का पेड़ दिखाई देता है। उसे देखकर वो सोचती है, इसमें बहुत सी इमलियाँ लगी हुई है, मैं कुछ इमलियाँ तोड़ लेती हूँ, कुछ इमलियाँ मैं यहीं खा लूंगी और कुछ अपने साथ घर ले जाऊंगी। जैसे ही बबली इमलियाँ तोड़ने लगती है, वैसे ही इमली के पेड़ में रहने वाला बाज उस पर हमला कर देता है। बहुत दिनों बाद मुझे चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। बबली उससे गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, जब तू माँ बन जाएगी उसके बाद मैं तुझे अपना शिकार बनाऊंगा, क्योंकि मैं किसी भी गर्भवती को अपना शिकार नहीं बनाता हूँ। बाज बबली को उठाकर एक गुफा में बंद कर देता है। बबली वहाँ पर रोने लगती है, जंगल में आने के पहले मैंने तो किसी को बताई भी नहीं, सभी लोग मेरी तलाश कर रहे होंगे, अब मेरे साथ साथ मेरा होने वाला बच्चा भी खतरे में पड़ गया है। दूसरी तरफ नदी के किनारे बबली चिड़िया के नहीं मिलने के कारण चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। दोस्तों लगता है बबली चिड़िया किसी मुसीबत में फंस गई है, हमें जंगल में जाकर देखना चाहिए, वो बहुत देर से किसी को दिखाई नहीं दी है। पीलू चिड़िया कहती है, हरिया काका, बबली दीदी देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी, हम पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेते हैं फिर उन्हें ढूंढने जाते हैं। ऐसा सोचकर पीलू और हरिया काका पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। हे देवी माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम बबली दीदी को ढूंढ निकाले। फिर पीलू और हरिया काका जंगल की ओर जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद उन्हें बबली एक गुफा के अंदर मिल जाती है। हरिया काका, पीलू चिड़िया, मुझे बाज ने कैद कर दिया था, मुझे उससे बचाओ। अरे बबली बहन, तुम चिंता मत करो, हम उस बाज के हाथ पैर तोड़ देंगे, उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि किसी को वो छू नहीं पाएगा। उसी समय वहाँ पर बाज आ जाता है और हरिया काका और पीलू अपनी समझदारी से उस बाज का मुकाबला करते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। इस तरह से वे लोग बबली को बाज की कैद से आजाद करा लेते हैं और उसे सुरक्षित घर ले आते हैं। फिर पीलू चिड़िया की देखरेख में बबली एक अंडा देती है और उस अंडे से एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जन्म लेती है। पीलू बबली से कहती है, बबली बहन, देवी माँ की तुम पर बहुत कृपा है, तुम्हारी जान भी बच गई और तुम्हें एक अच्छी सी बच्ची भी हो गई। इस तरह से बबली खुशी खुशी अपनी बच्ची के साथ रहने लगती है। चिलबन नगर के गांव में सुंदरी चिड़िया बहुत घमंडी और अमीर जमींदारिन थी। वो गरीब लोगों को ब्याज पे पैसे उधार देती थी और जब गरीब उसे उधार के पैसे लौटा नहीं पाते थे तो वो उनकी जमीन को हड़प लेती थी। ऐसे ही एक दिन बबली उसके पास पैसे उधार लेने के लिए जाती है। सुंदरी सेठानी, आप मुझे 1,00,000 उधार दोगी क्या? मैं आपको अगले साल वापस कर दूंगी। मुझे कैसे पता कि तुम मुझे पैसे वापस कर दोगी? तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ। मैं यही इसी जंगल में रहती हूँ। सेठानी जी, गरीब किसान हूँ, छोटी सी जमीन है मेरी। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी जमीन गिरवी रख दो, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगी। वैसे कितनी बड़ी जमीन है तुम्हारी? मेरी 10 एकड़ की जमीन है, आप गिरवी रख लो। ठीक है, यहाँ अंगूठा लगाकर पैसे ले जाओ, लेकिन याद रखना, पैसे नहीं चुकाए तो जमीन मेरी। फिर बबली उन पैसों से खाद और दवाइयाँ लाती है और खेत में दिन रात बहुत मेहनत करके फसल उगाती है। इस बार उसकी अच्छी फसल हुई थी। ऐसे ही एक दिन सुंदरी उसके खेत के पास से निकल रही थी, तभी उसकी नजर बबली के खेत में जाती है। अरे वो टिल्लू कहाँ घूम रहा है, ये बता कि ये खेत किसका है जिसमें इतनी बढ़िया फसल उगी है। शैतानी जी, ये खेत बबली का है। उसी बबली का जिसने मुझसे पैसे उधार लिए हैं। अरे वाह, इसका मतलब ये जमीन और ये फसल और इसका मुनाफा मेरा हुआ। फिर सुंदरी बबली से मिलती है। क्यों बबली, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है, लगता है बहुत मेहनत करी हो। जी सुंदरी जी, मैं फसल बेचकर आपका उधार लौटा दूंगी, उसके बाद घर में बेटी भी है, उसकी शादी भी करनी है। ठीक है ठीक है, ब्याज मिलाकर 3,00,000 दे देना। क्या, लेकिन मैंने तो बस 1,00,000 ही उधार लिए थे सेठानी जी। हाँ तो ब्याज चढ़ा के और 2,00,000 हो गए हैं। तुम अनपढ़ गवार लोग कुछ नहीं समझते। ये तो अन्याय है सुंदरी जी। फालतू की बात मत कर, नहीं तो मैं तुझे घर में भी नहीं रहने दूंगी। मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगी। नहीं नहीं, आप मेरी जमीन ही रख लो। शाम में बबली अपने घर आई और अपनी बेटी पीलू को रोते रोते सब कुछ बता दी। मैं उस लालची सेठानी को देखती हूँ, वो अपने आप को क्या समझती है। आप चिंता मत करो माँ, अब मैं उसे सभी चिड़ियों की हड़पी हुई जमीन वापस करवाऊंगी। पीलू अपनी सहेली हरी तोती के साथ एक प्लान बनाती है। दोनों सहेलियां एक छोटी सी खेत की जमीन में एक नकली पेड़ लगाती है और फिर उस पेड़ को लाल रंग से रंग देती है।
फिर वो दोनों उसकी डालियों में सोने चांदी डायमंड्स के गहने चिपका देती है, जिससे ऐसा लगता है कि वो गहने उसी पेड़ के फल हो। अब आएगा मजा, लालची सुंदरी कैसे फंसेगी देखना। इसके बाद पीलू चिड़िया हरी तोती के साथ जानबूझकर सुंदरी के पीछे जोर जोर से बातें करती है। अरे तूने देखी क्या उस लाल पेड़ को जो उस खेत में उगा है, उसमें से फल की जगह गहने उग रहे हैं। नहीं तो चल दिखा मुझे। ये सुनकर सुंदरी पीलू और हरी के पीछा करने लगती है। जब वो दोनों खेत पहुंचते हैं तो अरे क्या ये असली सोने जवाहरात है। सेठानी जी आप कब आ गई यहाँ, खैर हमने तो हीरे जवाहरात कभी नहीं देखे हैं। आप खुद ही देख लो कि सोना चांदी हीरा असली है कि नहीं। वैसे सेठानी जी आपको बता दूं कि कल बहुत बड़े जमींदार आ रहे हैं जो इस जमीन को खरीद लेंगे, इसके साथ ये पेड़ भी। ऐसा क्या, तो एक बार मुझे इसके गहने दिखाओ। फिर पीलू और हरी तोती गहने दिखाते हैं। अरे ये तो सही में हीरे हैं हीरे। चलो अच्छी बात है, अब हम ये जमीन उस शहर वाले सेठ को बेच देंगे। नहीं नहीं ये जमीन तो मुझे चाहिए। लेकिन आपके पास इतने पैसे है क्या सेठानी जी। अरे पीलू तुम गरीब लोग गरीब ही सोचोगे, इसके लिए तो मैं अपनी पूरी जमीन जायदाद बेच दूंगी, लेकिन मैं इस पेड़ की जमीन को खरीद के ही रहूंगी। ठीक है तो फिर सौदा पक्का, आपकी पूरी संपत्ति के बदले में ये जमीन। ये लीजिए इस जमीन के कागजात, लेकिन पहले आप अपनी संपत्ति के कागज मेरे नाम कर दीजिए। फिर सुंदरी अपनी पूरी संपत्ति जमीन जायदाद गाड़ियाँ हवेली पीलू के नाम कर देती है और उस छोटी से पेड़ वाली जमीन को बदले में ले लेती है। अगले दिन कुछ लोग उस पेड़ के पास इकट्ठा होते हैं। क्यों गरीब लोग, कैसा लगा मेरा ये गहनों का पेड़, जरा हमें भी दिखाना गहने सेठानी जी। ये देखो, फिर सुंदरी उन्हें गहने दिखाती है। तभी टिल्लू के बगल में खड़े हुए पक्षी के हाथ से उस हार में पानी गिर जाता है और उसका सुनहरा रंग मिट जाता है। अरे ये क्या, पीलू मुझे लूट ली, बर्बाद कर दी। ये तो नकली लोहे की चेन है जिस पर सोने का नकली रंग लगा हुआ था। इस तरह से सुंदरी को उसकी धोखाधड़ी की सजा मिल जाती है और पीलू की मदद से बबली और बाकी जंगल के पक्षियों को उनकी लूटी हुई जमीन वापस मिल जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।